नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और जीएन भारत देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। हम बता दें कि आज जो है चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और चुनाव प्रचार जो है आज थम गया। हम बता दें कि जो 13 नवंबर को राजधानी रांची में वोटिंग होगी तो वहीं 20 नवंबर को अलग अलग जगहों पर वोटिंग होगी। जो पहले चरण का जो मतदान है वो 13 नवंबर को यानी 43 सीटों पर मतदान होने हैं, तो वहीं राजधानी रांची में भी 13 नवंबर को वोटिंग पड़ेंगे। इससे पहले आज चुनाव प्रचार जो है जमकर हुआ। हम बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की रांची की प्रत्याशी महुआ मांझी का आज जो है ओटीसी ग्राउंड से लेकर पूरे रांची विधानसभा क्षेत्र में उनका बाइक रैली निकाला गया। बाइक रैली निकालकर जो है उन्होंने ये दर्शाने का कोशिश किया तो कहीं ना कहीं राजधानी रांची वासी उनके साथ खड़े हैं या नहीं, यानी बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली में बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे और बाइक रैली जो है जैसे जैसे राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पे गुजरी तो लोगों का जो है हुजूम उमड़ पड़ा। तो इस तरह से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो रांची प्रत्याशी है महुआ मांझी की जो बाइक रैली है वो काफ़ी अनूठा और अनोखा था। तो जिस तरह से चुनाव प्रचार में जो प्रत्याशी है दमखम लगा दिए हैं और वहीं जो रांची जो प्रत्याशी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी जो है लगातार जिस तरह से अभियान चलाई थी, सैकड़ों की संख्या में हज़ारों की संख्या में युवाओं को अपने पार्टी में शामिल कराई थी और बाइक रैली आज जिस तरह से निकाली गई और बाइक रैली में जो लोगों का हुजूम उमड़ा उनके समर्थन में, तो ये बताने के लिए काफ़ी था कि कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में महुआ मांझी का जलवा दिख सकता है। रांची से जीएन भारत के लिए मैं मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।